कॉन्फ्रेंस है अमृतसर देहाती पुलिस वालों तीन वख वख मुकदमियां दे विच तीन पिस्टल की रिकवरी, एक मोटरसाइकिल की रिकवरी ते 5 लाख रुपए की नकदी जिहड़ी रिकवरी हुई है उहदे संबंध च कीती जा रही है। जिवें आप सब नूं पता है कि एक जिहड़ा साडा HDFC गोपालपुरा ब्रांच अमृतसर देहाती च पैंदी है उत्थे अज तो एक करीबन महीने पहला एक बैंक डकैती हुई सी जिहदे विच मुख जिहड़े दोषी चार सन ते उहदा जिहड़ा मेन दोषी सी कश्मीर सिंह एलियास शीरू उहदी गिरफ्तारी हुई सी ते उहदे कोलों फर्दर जिहड़ी पुछगिछ दे दौरान जिहड़ी है इह गल सामने आई सी कि उह 25 लख दे करीबन जिहड़ी अमाउंट सी इहनां ने आपस च वंड लई सी। इहनां दे नाल जिहड़ा इहनां दा फिफ्थ जिहड़ा इहनां दा सहयोगी सी उह इह टोटल मिला के 5 हो गए सन ते इहनां ने जिहड़े उह पैसे 5-5 करके वंडे सन। उस तों बाद क्योंकि यह कश्मीर सिंह एलिया शेरू जिहड़ा कि पुलिस दे नाल जो इहदा ब्रीफ इनकाउंटर हुंदा है मंड दे एरिए च उत्थों इहदी गिरफ्तारी हुंदी है। उस तों बाद फरदर क्योंकि होस्पिटलाइज रहा काफ़ी देर ते उस तों फरदर जिहड़ा है रिमांड ते लिया के इहदी जिहड़ी पुछगिछ होई है, पुछगिछ दौरान जिहड़ी गल सामने आई है उह इह सी कि 25 लख रुपए इहनां ने आपस च वंडे सन। सो जिहड़े इहदे हिस्से दे 5 लख रुपए सन उह इहनें करीबन जिहड़े है उह पूरे दे पूरे उहदी रिकवरी करवाई है। इस तों अलावा जिहड़ा फरदर जिहड़े चार दोषी रहिंदे है उह जल्द ही पुलिस की जिहड़ी गिरफ्त च आ जाणगे क्योंकि पुलिस दीआं जिहड़ियां वक्खो वक्ख पार्टियां ने उह इहनां दे मगर लगियां होईआं ने। सो इह बैंक डकैती जिहड़ी गोपालपुरा विखे होई सी उहदे विच फरदर जिहड़ी 5 लख रुपए की जिहड़ी इह रिकवरी है उह होई है। इस तों अलावा एक अमृतसर देहाती पुलिस क्योंकि वक्खो वक्खरे ऑपरेशन जिहड़े है CIA वल्लों ते कंसर्नड थाना एरिया जिहड़े हैगे है उह चलदे रहिंदे हैं। इसे लड़ी दे तहत एक जिहड़ी है सोर्स बेस्ड इनफॉर्मेशन मिली सी CIA नूं कि दिलावर सिंह उर्फ बागा ते जगतार सिंह उर्फ जग्गा जिहड़े कि टेढ़ा कला थाणा झंडेर दे वसनीक ने इह अड्डा लक्षी नंगल है उत्थे इह वेट कर रहे ने। बेसिकली इह बंदे जिहड़े है जिहड़े हथियार है उहदी सेल अगे करन दे ते उहनूं इलीगली प्रक्योर करके फरदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिहड़े इनवॉल्व बंदे ने उहनां कोले पुछदा करदे ने उहनां नूं सेल करदे ने ते सोर्स बेस्ड इनफॉर्मेशन जिहड़ी सीक्रेट सीगी उहदे आधार ते कार्रवाई करदे होए जिहड़े इह दिलावर सिंह उर्फ बागा ते जगतार सिंह उर्फ जग्गा पुत्रान प्रगट सिंह वासी तेड़कलां थाणा झंडेर जिला अमृतसर तों इन्हां तों दो जिहड़े हैगे है पिस्टल दी रिकवरी होई है, एक 30 बोर दा पिस्टल है PX स्टॉम ते दूसरा एक 32 बोर दा देसी पिस्टल है। देखो जी इह हल्की उम्र दे ने नंबर एक। दूसरी गल है कि यह ये जिहड़ा एक व्यक्ति जिहड़ा इंजर्ड सीगा इंजर्ड इन द सेंस कि वह सट वगैरह लगी हुई सी कितें डिग्गिया सी जो दस्या गया है इंटरोगेशन च वो जदों उत्थे बस अड्डे ते बैठे सन तो क्योंकि इन्होंने राजविंदर सिंह एलियास जिहड़ा गांधी है इहनू मिलना सी ते इह जिहड़े फरदर दो पिस्टल ने एक 30 बोर दा ते एक 32 बोर दा इहनू डिलीवर करने सी ते इह मौके ते जिहड़े हैगे है इहनां दो व्यक्तियां नूं जिहड़ा हैगा इहनां दो पिस्टल्स नाल इह गिरफ़्तार कीता गया है। इस तरीके नाल जिहड़ा है मुकदमा नंबर जिहड़ा है मुकदमा जिहड़ा हैगा थाणा झंडेर च दर्ज करके फरदर इहदे विच दो दी जिहड़ी इह गिरफ़्तारी पई है। इत्थे जिहड़ा जिक्रयोग इह है कि इह राजविंदर सिंह एलियास गांधी जिहड़ा कि इहनां दा भरा है ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ 17/9/2024 ਨੂੰ ਇੱਕ NRI ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਨੀ ਲੇਟ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੱਤੇ ਕੀ ਵਰਪਾਲ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
सो वो सारिया टीम ने काफ़ी व्डे एरिए सीसीटीवी फुटेज़ न जड़ा है एग्जामिन करके जड़ा है फाइनली जड़ा है गुरदर्शन सिंह उर्फ रैम्बो पुत्र बूटा सिंह ये मुगल चक का वसनीक है जिला तरन तारण का तो दूजा प्रभजोत सिंह उर्फ मिठी पुत्र गुरजीत सिंह यह पिंड सरजा जिला तरन तारण का वसनीक है इन्हों की इनिशियली यह गिरफ्तारी हुई सी इन्हों की पूछगिछ तो जी है यह गल क्लीयर हुई सी कि एक सुरजीत सिंह जड़ा है मेन शूटर जड़ा है वो ये इनवॉल्व से पुलिस जड़ा है सुरजीत सिंह नैब करने काफ़ी जड़ा है इनू मेहनत करनी पई है तो फाइनली जड़ा सुरजीत सिंह है पुत्र जगतार सिंह पिंड कक्का कंडियाला इनू जड़ा है गिरफ़्तार किया गया है इस दे कोलो एक 32 बोर की पिस्टल जड़ी है वह रिकवर हुई है इस दे नाल ही जड़ा मोटरसाइकिल भी रिकवर होया इस दे नाल एक होर इसका सपाट जड़ा सहयोगी सी गुरप्रीत सिंह वासी पिंड मुगल चक जिला तरन तारण उहदी भी गिरफ़्तारी हुई है तो सुरजीत सिंह जड़ा है एक नोटोरीअस परसन है ये खिलाफ़ पहला भी जड़े है आर्म्स एक्ट के अधीन जड़ा है दो वक्ो वक्रे जड़े परचे हैं एक तरन तारण तो एक जंडियाला थाने दर्ज होए हैं सो इस तरीके अमृतसर देहाती पुलिस वालों तीन जी वारदात ने इन टोटल तीन जड़े है पिस्टल्स की रिकवरी 5 लाख रुपये नकदी इन्हों की रिकवरी इस दे नाल ही जड़ा है मोटरसाइकिल की जी रिकवरी वो हुई है देखो जी जिहड़ा यह थाने झंडेर का जिहड़ा एक केस है इस दे विच जिहड़ी मुढ़ली जिहड़ी इंटरोगेशन है वह यह रिवील करती है कि यह बेसिकली यह अपने मध्य प्रदेश तो जिहड़ा है यह वैपन्स की जिहड़ी है तस्करी करते सन तो फर्दर जिहड़ा है यह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के इनवॉल्व जिहड़े बंदे आ उन्हां नाल इन टच रहिंदे सन उन्होंने नाल इन टच हो के उन्होंने ये सेल करते सन तो यही वैपन्स जड़े ने अगे फर्दर जड़े ने वक्ो वक्री क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक स्नैचिंग एट गन पॉइंट हो गई है किसी एक्सटॉर्शन वास्ते जड़ा है उतों पैसे की जड़ी हैगी है उगराही करनी वो वाले केसिस है तो किसी को डरावना धमकाना इन्ह केसिस दे विच ये सारा इनवॉल्व रहिंदे सी पता लग सकया हुण तक किन्ने पिस्तौल वेच चुके ने क्योंकि जिस तरीके नाल पहला मामला सामने आया कि ऑनलाइन साइट्स दे उत्ते जां इंस्टाग्राम दे उत्ते भी इस तरह दे आए कि सेल कीते जा रहे ने जी इन्हों की पूछगिछ जी चल रही है इन्होंने मनिया है कि इन्होंने काफ़ी जी है इस तरह के जोड़े है इंसीडेंट्स के जोड़ा है अगे फरदर जोड़े है पिस्टल हो गया हथियार हो गया वो अगे सेल किए हैं जिहड़ा ये गोपालपुरा एच डी एफ सी बैंक डकैती केस है ये टोटल जिहड़े मुजरम ने वह 5 के करीब जिहड़े मेन मुजरम जिहड़े फिगर हुए सन उहदे विचों कश्मीर सिंह एलिया शिरू उहदी गिरफ्तारी हो गई है उस दे नाल ही जिहड़ा उसनू ठार देने वाला जिहड़ा व्यक्ति सी उसकी भी गिरफ्तारी हो गई सी जिहड़े इस तों अलावा जिहड़े हैगे आ जिहड़े तीन बचदे जिहड़े मुजरम ने उहनां दी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी जिथों तक पैसे दा सवाल है 25 लाख प्लस जिहड़ा है ये अमाउंट जिहड़ी सीगी इन्हां ने आपस दे विच वंड ली सी तां उह 5-5 लाख रुपए दे करीब जिहड़े है इन्हां ने आपस च वंडे सन क्योंकि ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चलिया तो इहनू ट्रेस करन लई पुलिस नू अमृतसर देहाती पुलिस नू काफ़ी जदोजहद भी करनी पई तो साडियां जिहड़ी टीमां ने मनाली तक गईयां उस तों बाद जिहड़ा वक्खो वक्खरे शहरां दे विच वी जिहड़ी है असीं रेड्स कीते तो फाइनली जिहड़ा है कश्मीर सिंह एलिया शिरू है इहदी जिहड़ी गिरफ्तारी आफ्टर ब्रीफ इनकाउंटर मंड दे एरिया विचों होई सी सो देखो जी ये क्रिमिनल व्यक्ति जिहड़े हैगे है जदों ये आफ्टर जिहड़ा वारदात है ये उस एरिए नहीं रहिंदे ते अपने एरिए छड्ड दिंदे ने सो उस दे तहत ही जिहड़ा है यह पहला तां जिहड़ा है इत्थों जिहड़ा है जलंधर वालों हो गए ज उस तरीके वालों हो गए जिथे जिथों इन्हों जी है ठार मिलती है तो उस तो बाद जिहड़ा है मनाली फिगर होए सी क्योंकि साडियां टीमां जदों उत्थे पहुँचदियां ने तो सारी पुछ पड़ताल शुरू हुंदी है तो ये फिर उत्थों जिहड़ा है स्लिप कर गए सी तो फाइनली जिहड़े हैगे है कश्मीर जिहड़ा है यह मंड दे एरिए काफ़ी देर तो इहदी ठार रही है तो उत्थों इहदी जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है इस तों अलावा जिहड़े बाकी तीन बचते ने उहनां दे मगर भी जिहड़ी है पुलिस पार्टीज़ लगियां होईयां ने तो जल्दी उहनां दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी सर थाना चाटीवेट मामले जो अमरीक कौर के घर के बाहर गोलियां का मामला
ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ NRI ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BNS ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 111, 112 ਅਤੇ 113 ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਡਿਆਲੇ ਥਾਣੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਟੀ PS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ